नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप दोस्तों। अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, करीब 400 वर्षों बाद 14 अक्टूबर 2023 दिन शनिवार को एक बेहद ही दिव्य और दुर्लभ अद्भुत संयोग बनने जा रहा है, क्योंकि इस दिन सर्व पितृ अमावस्या होने के साथ साथ इस साल का अंतिम और सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण शनिवार के दिन लगने जा रहा है। दोस्तों, यदि आप भी आपके घर की सुख शांति, संतान की कमी और धन की कमी, या कर्ज से परेशान हैं, या आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, तो ये दिन आपके लिए विशेष होने वाला है। और यदि इस दिन आप मिट्टी के दिए से जुड़ा ये असरदार और चमत्कारी आसान सा उपाय कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपकी सभी समस्याओं का हल संपूर्ण रूप से हो जाएगा। दोस्तों, इस बार साल 2023 कई बार अद्भुत संयोग लेकर आया है, पर दोस्तों 14 अक्टूबर 2023 का दिन बेहद विशेष होने वाला है, क्योंकि इस दिन पितृपक्ष की समाप्ति के साथ साल का आखिरी और सबसे बड़ा अंतिम सूर्य ग्रहण पड़ने जा रहा है। और इस दिन सर्व पितृ अमावस्या होने के साथ साथ शनिवार का दिन भी पड़ रहा है, इसलिए इसको शनिचरी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए दोस्तों, इतने सारे दिव्य और दुर्लभ संयोग में इस दिन यदि आप मिट्टी का एक दिया घर के इस कोने में जला देते हैं तो आपको धनवान मालामाल होने से कोई नहीं रोक सकता। और यदि आप पर किसी भी प्रकार का कोई भी दोष है, संकट है, वह भी इस उपाय से दूर हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और दोस्तों, यदि आप भी अपने जीवन में महादेव की कृपा पाना चाहते हैं और सूर्यदेव का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो वीडियो को के कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूले। और यदि आपने अभी तक शुभ मंगल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, सर्व पितृ अमावस्या 13 अक्टूबर दिन शुक्रवार को रात 9:50 से प्रारंभ होने वाली है और इस तिथि की समाप्ति 14 अक्टूबर दिन शनिवार को रात 11:24 पर होगी। दोस्तों, 14 अक्टूबर को सर्व पितृ अमावस्या के दिन पितरों के श्राद्ध का समय सुबह 11:44 से प्रारंभ, जो दोपहर 3:35 तक रहेगा। दोस्तों, अब बात करें इस दिन पड़ने वाले सूर्य ग्रहण की, तो यह सूर्य ग्रहण भारत में भी दिखाई देगा, इसलिए इसका पूरा प्रभाव देखने को मिलेगा। पर दोस्तों, आपको बता दें कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य ग्रहण का सूतक काल जो होगा वह मान्य होगा। इस सूर्य ग्रहण का अशुभ असर कुछ राशियों पर देखा जा सकता है। आपको बताना चाहेंगे कि 14 अक्टूबर को पड़ने वाला साल 2023 का असर भारत सहित कई देशों पर पड़ेगा। ये ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और अटलांटिक कई देशों में देखने को मिलेगा। साथ ही दोस्तों, अब बात करें यदि सूतक काल की, तो ग्रहण काल यानी 8:34 से शुरू होकर 2:05 तक रहेगा, यानी कि सूतक काल 14 अक्टूबर को सुबह 8:34 से ही प्रारंभ होगा। तो आइए दोस्तों, अब आपको बताते हैं दिए से जुड़े चमत्कारी उपाय के बारे में। दोस्तों, दिए से जुड़े इस उपाय को आपको शाम को सूर्यास्त के बाद या रात्रि के समय करना है, किसी अन्य इसे ना करें। शाम को अच्छी तरह से हाथ पैर धोकर स्वच्छ वस्त्र पर ध्यान करें, फिर एक दिया लेकर दिए में रुई की बाती लगाएं। दिए में शुद्ध घी, भरे घी ना हो तो शुद्ध सरसों का तेल ले सकते हैं। इस दिए में थोड़े से काले तिल भी डाल दें। इस उपाय के लिए आप मिट्टी का या किसी भी धातु का दिया ले सकते हैं, या फिर आटे का दीपक भी बना सकते हैं। आटे में थोड़ा सा साफ जल मिलाकर बिना नमक के आटा गूंदकर इसे बनाएं। इस दीपक को आपको अपने घर के सबसे दक्षिण कोने में रखना है। यदि घर कोना रिक्त नहीं है तो आप रसोई घर के दक्षिण कोने में इसे रखकर जलाएं, वहां भी रिक्त स्थान नहीं है तो घर के अन्य किसी भी कमरे में या घर के मंदिर के पास साफ स्थान पर इस दीपक को रखे। दीपक को ऐसे रखे कि इसकी बात ही दक्षिण दिशा की तरफ हो, यानी कि इसकी लौ दक्षिण की तरफ होनी चाहिए, जो कि पितृ की दिशा मानी जाती है। मान्यता है कि इस दिशा से पितृ धरती पर आते हैं। ऐसा माना जाता है कि यह दीपक पृथ्वी लोक छोड़ते समय पितरों के मार्ग को प्रकाशित करता है। इस दीपक को अवश्य दें, सीधे जमीन पर ना रखें। दिए के नीचे कोई थाली रखें या फूल की पंखुड़ियां या थोड़े से साबुत चावल रख दें। सीधे जमीन पर रखा हुआ दीपक अपूर्ण माना जाता है।
दीपक जलाने के बाद सबसे पहले आप प्रथम पूज्य गणेश जी का स्मरण करके उन्हें नमस्कार करें, फिर भगवान विष्णु और महालक्ष्मी का स्मरण कर उन्हें नमस्कार करें, पितृदेवता को नमस्कार करें, ईश्वर से पितरों को मोक्ष मिलने हेतु प्रार्थना करें, पितरों से पितृदोष से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना करें, परिवार के सदस्यों कृपा दृष्टि रखने की प्रार्थना करें, फिर विष्णु जी के द्वादश मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 11 बार जाप करें, पितृ देवता के मंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र है ओम पितृ देवताय नमः। किसी भी माला पर इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। माला नहीं है तो चावल की या मिश्री के दाने पर गिनकर भी आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। विशेष ध्यान इस बात का रखें कि मंत्र का जाप आपको दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके ही करना है। सर्व पितृ अमावस्या पर दक्षिण दिशा में इस प्रकार दीपक जलाने से और मंत्र का जाप करने से पितृ देवता खुशी खुशी तृप्त होकर अपने धाम वापस चले जाते, उनकी कृपा से पितृ दोष पितृ आशीर्वाद में बदल जाता है। मंत्र का जाप करने के बाद आप अपने पितरों को अपने पूर्वजों को नमस्कार करें। दोस्तों, यह उपाय करते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। स्वच्छता और पवित्रता का तो आपको ध्यान रखना ही है, जैसे आप पूजा पाठ के वक्त करते हैं, और इसे केवल और केवल अपने घर में ही करना है। यदि आप किसी और के घर गए हुए हैं तो उनके घर में आप अपने पितरों के निमित्त दीपक ना जलाएं, और परिवार का कोई भी सदस्य इसे कर सकता है, घर का स्त्री कोई भी कर सकता है, केवल महिलाएं मासिक धर्म के दौरान इस उपाय को ना करें। पितृपक्ष के दौरान जो भी सावधानियां आप बरतते हैं सर्व पितृ अमावस्या पर भी बरतें। श्राद्ध कर्म के दौरान लोहे के बर्तन का इस्तेमाल ना करें। इस दिन इत्र या परफ्यूम ना लगाएं। श्राद्ध क्रम में इत्र का इस्तेमाल करने से पितृ दोष लगता है। ब्राह्मणों को चटाइयां या लकड़ी के आसान पर ही बिठाएं। ब्राह्मण को भोजन करवाते समय मौन रहे और उनके भोजन से पहले आप खाना ना खाएं। ब्राह्मण भोज करने बाद पितृ को मन में याद कर भूल चूक के लिए क्षमा याचना करें। इस दौरान कोई वाहन या नया सामान ना खरीदे। रोजाना की जरूरत के अलावा कोई भी नया सामान पितृपक्ष में नहीं खरीदना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान नाखून नहीं काटने चाहिए, तो बाल भी ना काटे, दाढ़ी ना बनाए। पितृपक्ष में गायों ब्राह्मण कुत्तों चींटियां बिल्लियों आदि को भोजन अवश्य ही कराना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान क्लेश कला ना करें, प्रेम से रहे, किसी की निंदा या चुगली ना करें। दोस्तों, दूसरे दिन सुबह चावलों को पक्षियों को डाल दें। यदि आपने आटे के दिए का इस्तेमाल किया है तो उस दिए के टुकड़े करके पक्षियों को खिला दें। यदि मिट्टी का या धातु के दिए का इस्तेमाल किया है तो आप उस दिए को दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्व पितृ अमावस्या पर दान दक्षिणा दिए बिना ब्राह्मण या किसी संत को खाली हाथ ना जाने दें। इस तरह की कोई भी गलती आपके पूर्वजों को नाराज कर सकती है। द्वार पर आए व्यक्ति को कुछ ना कुछ देना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार पितृ विदाई के दिन आटा चावल या तिल का दान अत्यंत शुभ कारक होता है। यूं तो पूरे पितृ पक्ष में तामसिक भोजन और मांस मदिरा से बचना चाहिए, लेकिन सर्व पितृ अमावस्या पर भी इसका विशेष ध्यान रखें। इसके अलावा लहसुन प्याज आदि खाने से बचें। इस दिन मसूर की दाल अलसी कुल्थी आदि का भोजन शुभ माना जाता है। सर्व पितृ अमावस्या के दिन जाने अनजाने में की गई गलती के लिए भगवान से क्षमा मांगे और ऐसा कोई कार्य न करें जिससे आपके पितृ आपसे नाराज हो जाए। मान्यता पितरों को प्रसन्न करके ही विदा करना चाहिए ताकि वे जाते समय खूब सारा आशीर्वाद दें और प्रसन्न होकर विदा लें। इस दिन यदि श्राद्ध तर्पण या पिंडदान ना कर सके तो अपने पितरों के निमित्त विशेष भोजन बनाएं, पंचबलि अवश्य दे, ब्राह्मण को भोज अवश्य कराए, गाय को कौवे को कुत्ते को बिल्लियों को भी भोजन अवश्य दे। इस दिन गाय को हरा चारा या घास खिलाए गाय को चारा देने से भी पितरों को संतुष्टि मिलती है। तो साल का आखिरी मौका है, पितरों की विदा समय है। ये उपाय करके उन्हें खुशी खुशी विदा करें और अपने जीवन से दुख कष्टों को हमेशा के लिए दूर करें। कमेंट बॉक्स में जय पितृ देवता लिखना ना भूलें। तो आइए दोस्तों, अब आपको सुनाते हैं सर्व पितृ अमावस्या की कथा, जिसको सुनने मात्र से आपकी हर इच्छा पूरी हो जाएगी। पुराने समय में अग्निश्वाद और बरिशपद नाम के पितृ देव थे, उनकी मानस कन्या थी अक्षोदा। अक्षोदा ने अश्विन मास की अमावस्या पर पितरों को प्रसन्न करने के लिए तप किया था।
तपस्या से प्रसन्न कर सभी पितृ देवता अक्षधा के सामने प्रकट हुए। उस समय अक्षधा का पूरा ध्यान एक तेजस्वी पितरी अमावस्या की ओर ही था और वह उन्हें निहारती रही। उसने अमावस्या से कहा, वरदान में आप मुझे स्वीकारें, मैं आपका संघ चाहती हूं। अक्षधा की यह बात सुनकर सभी पितृदेवता क्रोधित हो गए। उन्होंने उसे श्राप दिया कि वह पितृलोक से पृथ्वी लोक जाएगी। ये सुनकर अक्षधा को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह क्षमा याचना करने लगी। तब पितृ ने उससे कहा कि वह मत्स्य कन्या के रूप में जन्म लेगी। भगवान ब्रह्मा के वंशज महर्षि पराशर उस मत्स्य कन्या को पति रूप में मिलेंगे और उसके गर्भ से भगवान वेदव्यास जन्म लेंगे। इसके बाद फिर श्राप मुक्त होकर वह फिर से पितृलोक में वापस आ जाएगी। सभी पितरों ने अमावसु की प्रशंसा की और वरदान दिया कि आपने सौंदर्य और स्त्री के आगे अपने मन को भटकने नहीं दिया और अपने संयम और नियम पर आप टिके रहे, इसलिए आज से ये तिथि आपके नाम से अमावसु के रूप में जानी जाएगी। मान्यता है कि इसे ये दिन पितृ मोक्ष अमावस्या के रूप में प्रसिद्ध हुआ है। तो यह थी आज की विशेष जानकारी। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दें। धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।